बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इस वीडियो का मकसद बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, जो कि अपकमिंग एरिया मैनेजर्स की ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डिलीवर करनी है तमाम लर्निंग चैंप्स ने, कोलीग ने, उनकी रहनुमाई के लिए कि इसके जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं या इसकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको मोस्ट इफेक्टिवली किस तरीके से डिलीवर किया जाए, जो कि एरिया मैनेजर्स की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना वो ये चीजें उन तक पहुंच सके और इसको बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सके। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है तमाम से इसको वीडियो को देखिए पूरा, ताकि हम प्रेजेंटेशन के जितने भी पॉइंट डिलीवर करने जा रहे हैं वो बेस्ट तरीके से एरिया मैनेजर्स तक हम डिलीवर कर सकें। अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जो बनाई गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली स्प्रेडशीट का कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इससे इट इज यूज प्राइमरली टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, सॉर्ट, परफॉर्म मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, सेव, रिट्रीव एंड प्रिंट न्यूमेरिक डाटा। बेसिकली जितने भी हैं एक्सेल के अंदर जितने भी किए जाते हैं फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, उनको किस तरह एंटर करना है, उनमें चेंजेस एडिट वगैरह कैसे करनी है, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सॉर्ट है, परफॉर्म है, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है हमारे कि आइडेंटिफाई करना मेन कंपोनेंट्स को इस प्रोग्राम के, पर्पस ऑफ द कमांड्स ऑन द मेन्यू बार, ये सारा हम यहाँ पे इसमें बताएंगे। टाइटल बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, टूल बार क्या है, इनके अंदर जितने भी टैब्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वर्क विद द बटन्स ऑन द टूल बार, जो भी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अगेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जो कि सेल के अंदर जो है ना वो हम लिख देते हैं किसी भी वजह से जब हम कोई स्प्रेडशीट बना रहे हैं। रिलेटिव एंड सेल रेफरेंस किसी एक वैल्यू की मदद से जब कोई फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू बनाई जाती है तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है, जो कि हम डिटेल में मेंशन करेंगे। कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं टेक्स्ट को, उन फॉर्मूलाज को। यूज द फिल फंक्शन फॉर डेट्स एंड फार्मूलाज, स्पेसिफिकली द फॉर्मेट ऑफ डेट फार्मूलाज, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें। अगर यहां से स्टार्ट करूं तो सबसे पहली जो चीज आती है प्रैक्टिकली वो आती है स्क्रीन का कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप डेफिनेटली अपने एरिया मैनेजर्स को, कोली को, जिन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उन्हें यहाँ पे बताएंगे कि ये स्क्रीन कंपोनेंट इस तरह की स्क्रीन नजर आती है। मैं बात कर रहा हूं ऑफिस 2010 की। अगर हम बात करें पुराना जो ऑफिस है, इवन 2007 है या उससे पहले का भी है, तो जस्ट कुछ टैब के अंदर चेंजेस आई है, अदरवाइज जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। तो ये ओपनिंग स्क्रीन है 2010 एक्सेल की। टर्मिनोलॉजीज की हम बात करें, डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट अपीयरेंस, दे हैव ऑलमोस्ट ऑफ द सेम फीचर्स। इफ यू नो व्हाट टू कॉल इट, यू शुड बी एबल टू फाइंड इट इन अदर वेरिएंट्स। तमाम दूसरे वेरिएंट में भी ये मिलता जुलता है, ये सारी चीजें जो ऊपर आ रही हैं। देन एरिया आउटलाइन इन रेड। अब ये पॉइंट है कि जो ऊपर आउटलाइन रेड जो आउटलाइन नजर आ रही है आपको, बेसिकली इसको टाइटल बार कहती है, जो कि बताती है कि ये जो आपने इस वक्त स्प्रेडशीट खोली हुई है उसका नाम क्या है। अगर आप न्यू से करते हैं तो वो बुक वन, बुक टू, वट एवर इट इज, वही देती है। आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के नाम से इसको सेव भी कर सकते हैं। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ओपन प्रोग्राम, इन दिस केस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड द नेम ऑफ द करंट फाइल। अगर ये मैं बात करूं अभी रेड लाइन के अंदर आपको नजर आ रही होगी एक्सट्रीम राइट के ऊपर, ये बेसिकली तीन जो बटन है ये मिनिमाइज के लिए है। जो सबसे पहला है फ्रॉम लेफ्ट सेंटर वाला जो है वो रीस्टोर करने के लिए है, और जो एक्सट्रीम राइट है क्रॉस है वो है इस शीट को क्लोज करने के लिए। जब शीट को आप क्लोज करते हैं तो अगर आपने सेव नहीं की हुई तो आपसे पूछेगा कि वेदर यू वॉन्ट टू सेव आर नॉट, उसके बाद आप उसको सेव करके बंद कर सकते हैं, नहीं करना नो कर दें तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यू कैन रीस्टोर द डॉक्यूमेंट्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बाय ईदर क्लिकिंग ऑन द बटन ऑन द टास्क बार वन टाइम टू रीस्टोर इट टू एक्टिव मोड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रीस्टोर भी कर सकती हैं अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, और ये डेफिनेटली 2010 के अंदर, ऑब्वियसली 2007 के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होती है एक्सेल के अंदर, क्योंकि ये जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो नीचे वाली बार के ऊपर आ जाएगा और वहां से आप इसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। If you have multiple files from the same program open, you will need to select the one you want to restore to active mode. तो ये आपको पता चल गया, अगर आपने काफी ज्यादा खोले आपको नजर आ रहे हैं नीचे तीन फाइलें ओपन है, फॉर स्क्रीन शॉट है, बुक टू है, बुक थ्री है, तो आप जब क्लिक करेंगे ऊपर तीन आ जाएंगी, जिसके ऊपर दोबारा माउस का क्लिक करेंगे वही फाइल रिस्टोर होकर ओपन हो जाएगी। देन एरिया आउटलाइन रेड के अंदर आपको नजर आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, इसके अंदर तीन मेन कमांड है, एक जो है सेव के लिए है जिसके ऊपर एक फ्लॉपी बनी हुई है।
अगर आप इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो जो नेम बुक आ रहा है इस स्प्रेडशीट का उसी से सेव हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेव एज की ऑप्शन देते हैं, तो फिर आप इसको अपनी मर्जी के नेम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एरो उल्टा डाउन साइज की तरफ, वो है अंडू का। अंडू अगर कोई आपने एक्शन किया है और आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो उसको प्रेस करें तो वापस पहले वाली चीज पे आ जाएंगे। सेकंड जो है वो रीडू या रिपीट है कि जो आपने फंक्शन परफॉर्म किया है उसको अगेन पहले वाली चीज में वापस ले आए। उसके बाद एक्सेल 2007-2010 यूज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द रिबन इंटरफेस। ये रिबन इंटरफेस है जिसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं। रिबन वी आर गोइंग टू गो ओवर टूडे आर द डिफॉल्ट रिबन। ये डिफॉल्ट रिबन है जो कि मौजूद होते हैं आपकी हर शीट के अंदर, डिटेल हम आगे जाके बताएंगे। वर्ड फाइल होम इंसर्ट एक्सेल, ये सारे ऊपर आ गए। इसके जो फीचर्स हैं, फाइल है पहला, इसके अंदर काफी सारी कमांड है, सेव है, सेव एज है, होम के अंदर काफी सारी चीजें, वो आगे सारी अलहदा अलहदा आपको डिटेल के अंदर बताई जाएंगी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। फाइल से अगर स्टार्ट करें तो इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा है, सेव अप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया सेम नाम के साथ, सेव एज अपनी मर्जी का नाम, ओपन अगेन कोई शीट ओपन करनी है या क्लोज करना है, इन्फॉर्मेशन है, रिसेंट है, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद होम टैब जो आती है, इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड एक ऐसी इसके अंदर एक चीज है कंप्यूटर के अंदर या एक्सेल के अंदर, इवन वर्ड के अंदर, हर चीज के जब कोई चीज आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड पे चला जाता है उतने टाइम के लिए जब तक आपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया। तो जब भी आप किसी और जगह पे उसको पेस्ट करेंगे तो वही चीज वहां पे आ जाएगी क्लिप बोर्ड की मदद से। डेटा तब तक क्लिप बोर्ड पे रहेगा जब तक आप कंप्यूटर को ऑफ नहीं करते। उसके बाद फॉन्ट है, ये साइज आप चेंज कर सकते हैं, इसका टोटल 0 से लेकर 72 तक ये जाता है। फिर आगे कैलिब्री फॉन्ट, फॉन्ट डिफरेंट टाइप के हैं, बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, डिफरेंट चीजें हैं, टॉगल केस है, उसके बाद अपर केस है, लोअर केस है, सारी चीजें, कलर है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं फॉन्ट के अंदर। फिर अलाइनमेंट आ जाती है, सेंट्रल अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, अप डाउन एटसेट्रा। नंबर्स आ जाते हैं आगे, परसेंटेज आ जाती है इसके अंदर, इसके अंदर राउंड ऑफ डेट आ जाता है आप जो कर सकते हैं। देन स्टाइल्स है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल है, शेप आप कैसी रख सकते हैं। उसके बाद सेल्स इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेट करना। उसके बाद एडिटिंग आ जाती है, आप फिल्टर लगा सकते हैं, सम का फार्मूला लगा सकते हैं, ये सारा होम के अंदर है। इंसर्ट टैब के अंदर कुछ कमांड है कॉमनली यूज की जाती है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है पिवट टेबल है, टेबल है, पिक्चर्स क्लिप आर्ट वगैरह है, एरिया स्कैटर है। उसके बाद ग्राफ बना सकते हैं, आउटलाइन बना सकते हैं, देन लाइंस कॉलम विन, ये सारे चार्ट वगैरह बना सकते हैं इसके अंदर, स्पार्क लाइंस है। उसके बाद हाइपर लिंक्स हैं, टेक्स्ट का साइज आप रख सकते हैं, वर्ड आर्ट इसमें लगा सकते हैं, और आगे इक्वेशन सिंबल वगैरह जो कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला की शक्ल में इसको यूज करवा सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर कंटेन द कमांड जो कि ज्यादातर यूज, ये थीम्स हैं जो कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन हैं, पेपर का साइज है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, व्हाटएवर यू वांट टू आप रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड है। उसके बाद विड्थ हाइट है पेज की, जितना आप प्रिंट जब निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए, स्केलिंग है पेज की। उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, देन जो है वो अरेंज करना है पेपर को, फिर अलाइनमेंट है उसकी, ये सारी चीजें आपकी पेज लेआउट में आ जाती हैं। फार्मूलाज के अंदर तमाम फार्मूलाज हैं, जिसमें फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइंड नेम्स हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, ऑडिटिंग है और कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका डेटा। डेटा टैब के अंदर कमांड्स हैं मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इवैल्यूएटिंग और अरेंजिंग डेटा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल डाटा गेट करना किसी भी जगह से, कनेक्शंस हैं सारे इसके अंदर। फिर आप इसको सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं, डेटे को अरेंज कर सकते हैं, ए टू जी, जी टू ए, व्हाटएवर यू वांट, जिस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर डेटा वैलिडेशन है, डेटा के टूल्स हैं, फिर ग्रुप है, अनग्रुप है, सब टोटल आउटलाइन वगैरह बना सकते हैं। रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग आ जाती है, आपकी ट्रांसलेशन लैंग्वेज आ जाती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली उसके स्पेलिंग चेक्स वगैरह करने हैं। कमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर और चेंजेस जो आप करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप इसको शीट को अपनी, ताकि कोई इसको चेंज ना कर सके। और व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यूज आप कर सकते हैं, ग्रिड लाइन है, फार्मूला बार है, हेडिंग्स है, जूम सिलेक्शन है, न्यू विंडो है, फ्रीज पेन आप कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट कि फ्रीज पेन के लिए एक कॉलम आपने रखना है और आगे आपने चलते जाना है तो ये कॉलम यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप जो है वो इसके अंदर अगर देखें तो न्यू विंडो, अरेंज ऑल और फ्रीज पेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किसी एक कॉलम को फ्रीज करके उसकी मदद से बाकी आगे सारे व्यू कर सकते हैं विंडोज के। उसके बाद मैक्रोज है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम आए तो फर्स्ट हम जाते हैं एक्सरसाइज वन की तरफ, जो कि IMS डाटा एक्सेल के अंदर किस तरीके से रीड किया जाता है। ये इसका एक सामने आपके नजर आ रहा है,
ये आप डेफिनेटली अपने एरिया मैनेजर्स को कहेंगे कि अपने अपने लैपटॉप के ऊपर इसको ओपन कर लें डेटा को। तो इसको रीड कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आप देखिएगा जरा, इसको रीड इस तरीके से करना है इस डेटा को आपने, कि जब आप इसको एक्सेल के अंदर ओपन करेंगे इस डेटा को, ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे मैंने फिल्टर इसके ऊपर लगाए हुए थे, अगर आपको नजर आ रहे हैं ये फिल्टर लगे हुए हैं, आप इन फिल्टर को भी अपनी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मैंने वो कॉलम रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोडक्ट है यूरिक है, इसके साथ ये कंपेटिटर है यूरिगो है, ज्यूरिक है, ज़ेलोरिक है, तो मैंने ये इसको रेड कलर किया हुआ है, उन कॉलम्स को किया हुआ है जहां पे गो यूरिक का जो मार्केट यूनिट शेयर है जो वो बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर रखूं तो यहाँ पे मैं इसको फिल्टर बाय कलर भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कलर रखूं तो सिर्फ वही कॉलम आ जाएंगे जो कि जिनमें गो यूरिक जो है वो कंपटीशन से आगे है। अगर मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ फिल्टर बाय कलर, तो मैं इसको व्हाइट वो निकाल ये निकाल लेता हूँ, ये वो आ जाएंगे जिनमें गो यूरिक जो है वो पीछे है। और इन ब्रिक्स के ऊपर अगर एरिया मैनेजर बैठा हुआ है तो अपने लोगों को बता सकता है कि इन ब्रिक्स के ऊपर आपने स्पेसिफिकली जाके काम करना है। इस डेटा को आप जितनी मर्जी तरीके से चाहें आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको डिफरेंट तरीकों से फिल्टर लगा के जो भी वैल्यूज आप चाहते हैं इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये बाकायदा इस एक्सरसाइज को तमाम एरिया मैनेजर्स के साथ कीजिएगा, उनके सामने ओपन कीजिएगा और फिर वो खुद देखें कि जो उनकी ब्रिक्स है स्पेसिफिकली, अगर अपना डाटा हो तो ज्यादा बेहतर है, इसमें उसको बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं इसके बाद इसको कंटिन्यू करूं नेक्स्ट इसी चीज को ही, तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने फिल्टर्स का इस्तेमाल जिस तरह मैंने आपको बताया, ओवरऑल जो डेटा एनालिसिस है, फिर आईएमएस एनालाइजर जो है, केमिस्ट डेटा एनालिसिस, ये सारा हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इस डेटा को। सेकेंड एक्सरसाइज जो होगी वो होगी ईवो पल्स की। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने ये ईवो पल्स का व्यू आपको ऐसे नजर आएगा, ईवो पल्स का व्यू अगर आप देखें तो ये ईवो पल्स का व्यू है, जब आप ओपन करेंगे ये आपको नजर आ जाएगा, कॉल पर डे है, डॉक्टर एवरेज है, फ्रीक्वेंसी है, सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी इसके अंदर। लेकिन हमने जो स्पेसिफिकली इस मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ईवो पल्स जब आप ओपन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ईवो पल्स के ऊपर जो आपने लर्निंग करवानी है वो करवानी है केपीआईज की। रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप डॉक्टर विजिटेड नॉन विजिटेड ये देख सकते हैं अपने कोलीग के, यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टीम अपनी सेलेक्ट करेंगे, फिर एम्प्लॉय जो भी है उसका नेम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं अपना देखता हूँ तो यहाँ पे आप लिख के तो शो रिपोर्ट करेंगे तो सारी रिपोर्ट आ जाएगी, कौन से डॉक्टर किस डेट को या मंथ की किस डेट को टीम मिल चुकी है, कितने मिल चुके हैं, कौन से नॉन विजिटेड हैं जिनको दोबारा मिलना है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो नीचे ये डॉक्टर विजिटेड नॉन विजिटेड मंथली आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे आपको करवाएंगे वो केपीआई रिपोर्ट्स हैं। केपीआई रिपोर्ट यहाँ पे एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट अगर लें स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल जैन से, ये टीम आ जाएगी और यहाँ पे अगर आप ओपन करें तो ये आपके पास सारी केपीआई रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी, की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपके सारे टीम का। तो यहाँ से आपको मैनेजर को पता चलेगा कि वो अपने लड़के को किस तरीके से देख रहा है, वो पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर किसी ब्रिक के अंदर जाके उनकी कवरेज कैसी है, कितनी बार मिल रहे हैं, विजिटेड कितने हैं, नॉन विजिटेड कितने हैं, ये सारे कस्टमर सामने आ जाएंगे। परसेंटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने कस्टमर अभी नहीं मिले, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, जो कि थॉरली इसको डिटेल के साथ स्टडी किया जाएगा इस चीज को। अगेन मैं अगर इसी को कंटिन्यू करूं नेक्स्ट इस मॉड्यूल के अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस मॉड्यूल के अंदर हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवो पल्स, एमआई वैलिडेशन, जो मंथली आपका प्लान है, प्लान आपने कहाँ किया और एग्जीक्यूट कहाँ पे किया, वो वैलिडेशन भी आएगी, नॉन वेस्टेड डॉक्टर्स और केपीआई रिपोर्ट जो भी मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद ये इसका व्यू है, कुछ ईवो पल्स ऐसे आएगी एक्सेल के अंदर, ये दिखा सकते हैं। देन लास्ट जो थर्ड एक्सरसाइज है वो आएगी कस्टमर डेटा की। कस्टमर डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाना है एरिया मैनेजर्स को, ताकि उनको पता चले। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने एक ओपन किया हुआ है सेल्स ट्रेंड के हवाले से। कस्टमर डेटा जो है यहाँ पे ये कंप्लीट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, गो यूरिक आपको नजर आ रही है, ये जुलाई के अंदर, ये अगस्त के अंदर, सितंबर अक्टूबर, ये पूरे सिक्स मंथ का, ये मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया, इसे मैं देखा कि सितंबर माइनस दिसंबर यानी
वो कस्टमर है जिन्होंने सितंबर में परचेज किया लेकिन दिसंबर में परचेज नहीं किया, हाईएस्ट मंथ को बेंचमार्क बना के हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं इस तरह दिसंबर में, ये वो कस्टमर है जो कि न्यूली ऐड हुए। तो आप यहां से अगर जीरो फॉर एग्जांपल सितंबर में लेते हैं तो ये वो कस्टमर है जिन्होंने सितंबर में नहीं परचेज किया, यहां से आप निकाल सकते हैं आपके टोटल यूनिक कस्टमर्स कितने हैं और इस जितने तरीके से चाहे आप इसको एनालाइज करके इसके साथ जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से अपने एरिया मैनेजर्स के साथ बैठ के इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी जो हमने यहां पे डिस्कस किया आपके साथ और करेंगे इंशाल्लाह इस चीज को भी। तो ये कस्टमर डेटा इस तरीके से आएगा, इसमें यूनिक कस्टमर्स, नॉन बाइंग, बल्क परचेज और प्रोडक्ट मंथ वाइज सेल रिपोर्ट सारी आ जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये चूंकि आपको मिल जाएंगी तो आपको पता हो एक्सेल के अंदर मैंने शॉर्टकट कीज कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। ये शॉर्ट शिफ्ट प्लस फंक्शन की हैं, ये सिंपल फंक्शन कीज हैं जिनका आगे जिस काम के लिए यूज होती है, ये कंट्रोल प्लस फंक्शन कीज हैं, ये अदर प्लस फंक्शन कीज हैं, ये कंट्रोल प्लस नंबर कीज हैं और ये कंट्रोल प्लस अल्फाबेट कीज हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रेजेंटेशन है जो कि आपको भी हेल्प करेगी कि आप अपने एरिया मैनेजर्स को किस तरीके से इफेक्टिवली इसका यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।